मेरा बेचारा पेट। हाँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। क्या हुआ? ये रोनी की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ मेरी बच्ची। right, चलो मैं आ रही हूँ। कितना स्वादिष्ट डोनट है। ऐसा लगता है मेरी बहन को मेरी मदद की जरूरत है। रुको, मैं आ रहा हूँ। कितना सुंदर, किसी बच्चे के रोने की आवाज। मैं मदद के लिए आ रही हूँ। दादी तुम्हारे पास है। क्या हुआ बच्चे, मुझे बताओ। मुझे बहुत भूख लगी है। पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। ओके। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी। आसान, मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा, और क्रीम, और एक और केक, और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूंगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किटकैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है। और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ बस, यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो, और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, यह सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। Awesome! कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखे कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी यह पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो खैर, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में? तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया, और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। रुकना असंभव है।
मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। ओह, जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए। और उन्हें कैसे पकाना है, मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी, मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? ओके। और इसके साथ क्या करना है, ये आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं, और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं, बस इतना ही हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू, चलो अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है, मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ, ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स, मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गर्म करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस। चीज को पिघलाए और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डाले। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओ एंडी, तुम्हारे चिप्स। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह, बल्कि उन्हें प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ, समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ, पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो, आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। ओह माय, मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक चीज, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था, तुमने सुना, मैं जीत गई। ओह, कैचर, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूं। फिर ये इसमें अटक क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा, देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है, सब अंदर चला गया। तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले।
शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? हैंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस? क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाए? यह रबर जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स। दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा। मेरा मुंह जल रहा है। फियो, कितना फनी। मैं ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या? मैं जीत गया? ये। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो। ओके। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। वाह, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से। यह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा। सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है।
तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। कितना डरावना है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले और हमें सोय सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया, मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती, हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना, ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है, मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। पाराम, देखो कितना सुंदर है। What? यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओ वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। अच्छी, ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। Let's go! अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छे चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा।
हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवर कुक्ड है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे।